में दे देंगे। नहीं मैं टाइटल नहीं देता, बाद में दे दूंगा। आ जाना आप। हां मेरा हो गया लाइव। ओ खुर्रम खुर्रम नहीं आज तो फिर आज तो एंजिन करना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई बैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और इस वक्त जो है हमारे साथ उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब और जनाब उस्ताद चौधरी खुर्रम साहब मौजूद हैं। फिर फवाद अजीम साहब की छत है और ये चैंपियन हो गए आज फिर असवज 2018 के। और हम आपसे एक और बात भी शेयर करेंगे उस्ताद चौधरी सजावल डोरू साहब जी जनाब, जिन्होंने ऑल पंजाब को जनाब चैलेंज किया था 1-to-1 मुकाबलों का 2018 में। तो माशाल्लाह उनका जो है ना 1-to-1 मुकाबलों का 100% रिजल्ट आया है। अच्छा 100% जी जी, पंजाब के नामवर उस्तादों के साथ जनाब उनका 1-to-1 मुकाबले तय हुए थे, जिस तरह उस्ताद आशिक सैन साहब है, फिर मोजम शाह वाली छत, शेख गुलजार साहब हैं, जनाब मुस्तफा अड्डे वाले के जनाब शिगिर्द हैं। नामवर उस्तादों के साथ जनाब उनके 1-to-1 मुकाबले थे तो सबसे जनाब वो आज जीत गए। तो राय साहब को जनाब हम मुबारकबाद देते हैं। तो सजावल साहब जनाब फखरे मीरपुर है हमारे लिए कि जनाब मीरपुर में बैठ के जनाब उन्होंने ऑल। तो क्या कहना चाहेंगे, माशाल्लाह आपकी भी छत जो एकदम से जो है सजावल डोरू साहब की आगे आई है दोबारा से, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की। असल में पता है क्या हुआ कमरान, ज्यादातर कबूतर उसके मिस हुए हैं। मौसम कश्मीर का ज्यादा डेंजरस होता है जैसे राज इमरान को पता है, लेकिन उसका कंसंट्रेट था बाजियों के ऊपर। माशाल्लाह अच्छे उड़ गए, अल्लाह ताला ने फतेह दे दी, बाजियां जीत ली, सबसे चैंपियन हो गए बाजियों के। बिल्कुल मुकाबले बोल के लगाने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको फतेह दी है, लेकिन बहुत बहुत माशाल्लाह इसकी मेहनत है जी। जैसे कि उस दिन मैंने बोला था कि मेहनत की सिला है, सजावल भी बहुत मेहनत करता है, माशाल्लाह इसकी भी बहुत मेहनत। हाँ इसकी तो माशाल्लाह सबके सामने, मैंने तो इसकी तस्वीरें भी शेयर किया खुराक बनाते हुए। तो राय साहब जैसे कि 2-3 दिन से ग्रुपों में भी चार रहा था कि जनाब के एक दिन अगर कबूतर 85 घंटे बनाते हैं तो अगले दिन फिर 85 या 87 कैसे बना ले, 90 भी बनते हैं भाई जान। मैं बताता हूँ वो जिस भाई ने ये बात, राजा साहब बाद में करेंगे, सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग यू। ये सबसे पहली चीज तो मेहनत, जो राजा साहब ने पहले एक बात कर दी है मेहनत। इस बंदे के कबूतर मैं खुद देखता रहता हूँ, जब अक्सर बेशतर खारियाँ का चक्कर लगता है तो मेरी जो इसके साथ दोस्ती का जो रिश्ता है वो सब लोगों को ही मालूम है, हम आते रहते हैं। ये आंधी भी नहीं देखता, तूफान भी नहीं देखता, गर्मी भी नहीं देखता, धूप भी नहीं देखता, ये कबूतर भी उड़ाए रखता है और खुद भी उनके साथ उड़ता रहता है ये छत पे। और यही वजह है जहाँ तक मेरा ख्याल है, आगे जो है राजा साहब बताएंगे जब मायराना राय वो दे। नहीं असल में पता क्या है, टीम वर्क है माशाल्लाह इसके पास, जो लड़के बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद जिस भाई ने वो मैसेज किया था ना ग्रुपों में, सुना था कि जिनने ये तो उसने शायद नहीं, पर एक बात उसने फेक बोली थी साहब के, उसने बोला था कि फवाद अजीम साहब के पास ऐसा कौन सा जिन है, तो सबको मैं बताना चाहता हूँ वो जिन चौधरी खुर्रम साहब है, बाकी ये जिन है। उसको ये सिर्फ पता नहीं वो कौन था भाई, उसको ये भाई मेहनत करो उड़ाओ कबूतर उड़ते हैं, जेलसी फील ना करो। हाँ, जो देखे काफी दिनों से बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूँ कि क्या चक्कर है भाई, इनकी मेहनत है, कबूतरों के नीचे हैं उड़ते हैं कबूतर, सबके उड़ते हैं, ऐसी जो मेहनत करते हैं उसके उड़ते हैं कबूतर। वही बात, माशाल्लाह इनकी मेहनत आपने जेठ बसाख जो जेठ कप था उसमें भी देखी, चेतर में भी देखी, गेम में 8 लाख हो जाती है कभी ऊपर कभी नीचे। चंगा भला सोना मुंडा तो काला होया है, थोड़ी मेहनत। तो इसके साथ ही जी मैं लेकर आऊंगा जी, जवेद यार जवेद का है, जवेद डॉक्टर साहब ने बुला लो आपके साथ साथ, जो जवेद की भी तो मेहनत है, जवेद ने दिन रात मेहनत की है जी, जवेद ने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस्ताद, जवेद अभी भी यहाँ पे फिरता रहता रहा है उस्ताद चौधरी अरशद साहब। जनाब बहुत बहुत मुबारक जी, भाई अरशद नूरम नू पीर साहब नू जनाब साहब नू बहुत बहुत मुबारक, चौधरी मोइन नवाज कुमन साहब नू बहुत बहुत मुबारक, मोइन नवाज साहब नू मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी, साहब मैं देना है साख चैंपियन, जेठ चैंपियन, असू चैंपियन, बहुत बहुत मुबारक जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त। बाकी सब दा मिल जुल के शौक है, टीम दा शौक है और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, राजा इफ्तिखार काका साहब यहाँ मौजूद हैं,
سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جیلسی فیکٹر کوئی نہیں ہے اور دوستی پیار محبت تعلق اپنی جگہ یہ مشورے جس کے اڑتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جس کے اڑتے ہیں جس کو شک ہے جیسے پیر صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس کو ہے بھائی جان آ جاؤ نیچے بیٹھ بالکل ایسی اور اگر کوئی کبوتر پرور کہیں محنت کرنے سے کہیں بھی کوئی بندے کو کسی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کو مشورہ دینا چاہیے اس کی گیم کو اچھا کرنا چاہیے نہ کہ آپ کہیں کہ چنگا ہوا یار لینج ہوا کہ اسی تے آگے جاواں گے نہیں نہیں کیوں جی جس کی محنت ہے اس کو سلا اس کا ملنا چاہیے ملنا چاہیے بالکل جی اور ان تمام خوبصورت لوگوں کے ساتھ ان شخصیات کے ساتھ ہم یہاں سے آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت اللہ حافظ